लोकसभा चुनाव को लेकर आज मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई। सिरसा के लोक भवन में आज रणजीत सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला व दिग्गजय चौटाला ने परिवार सहित मतदान अधिकार का इस्तेमाल किया। सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटना बूथों पर शुरू हो गया। महिला, पुरुष व युवाओं में मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। बुजुर्ग व अपाहिज लोगों को उनके परिजनों गोद में उठाकर मतदान के लिए लेकर जाते दिखाई दिए। प्रशासन की तरफ से अपाहिज लोगों के लिए विशेष प्रबंध किए जाने के दावे जरूर किए गए थे, लेकिन किसी तरह की कोई खास व्यवस्था नजर नहीं आई। बीजेपी प्रत्याशी अशोक तनवर परिवार सहित हुड्डा सेक्टर 20 स्थित बूथ पर मताधिकार का इस्तेमाल किया। उपायुक्त आरके सिंह ने भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। भाजपा प्रत्याशी अशोक तनवर ने कहा कि लोगों में मतदान के प्रति उत्साह है। सिरसा में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ। उन्होंने कहा कि सिरसा सहित प्रदेश की सभी 10 सीटों पर कमल खिलेगा। मोदी के पक्ष में माहौल बना हुआ और भाजपा देश भर में 400 सीटों का आंकड़ा छू लेगी। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन आपसी लड़ाई का शिकार है। सिरसा से कुशल शैलजा 10 सालों तक गायब रही और अब चुनाव लड़ने आई है। कांग्रेस की गुटबाजी शैलजा को ले बैठेगी। आज देश में छठे चरण का मतदान है, एक चरण और बाकी है और 4 जून को वोटों की गिनती है। मैंने और हमारे परिवार ने अपना मतदान किया है और मैं सब देशवासियों से, जहां भी चुनाव चल रहे हैं, तमाम हरियाणा वासियों से, हमारे सिरसा पार्लियामेंट के सभी साथियों से ये विनती और प्रार्थना करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। हमेशा पिछले अगर 3 बार का देखें तो सिरसा ने सबसे ज़्यादा मतदान पूरे हरियाणा के अंदर किया है और उम्मीद के अनुरूप मैं समझता हूँ कि इस बार भी सबसे ज़्यादा मतदान यहाँ होगा। लोकतंत्र का ये पर्व है और इस बार देश ने मन बना लिया है कि हम 3री बार देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। देश बनाने के इस चुनाव में हर व्यक्ति, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर है, चाहे हमारा किसान मजदूर है, गरीब आदमी है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे हमारे कर्मचारी साथी हैं, छोटे छोटे दुकानदार साथी हैं, पूरा आज जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो एक सूत्र में पिरो करके, अभी मैं अंदर सुन रहा था, लोग कह रहे थे जी हमारी पहली वोट तो देश को है, तो जैसे कहते हैं कि पहली रोटी गाय को, पहली सैलरी माता जी को और पहली वोट भारत माता को यानी कि देश को। तो देश को अगर सब वोट देंगे तो पूरी दुनिया के अंदर जैसे मोदी जी ने नाम रोशन किया है पूरे भारतवर्ष का, आज चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे गलत निगाहों से देख सके। आज ख्याति पूरे इंटरनेशनल स्तर पर है, तो पूरी दुनिया की नज़र इस चुनाव पर है, देश देश की नहीं है। और जितना मजबूत जनादेश के साथ मोदी जी 3री बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उतना मैं समझता हूँ कि हमारा वर्चस्व पूरी दुनिया में होगा। आज 100 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा और सबसे युवा लोकतंत्र है। तो इसलिए मैं तो आश्वस्त हूँ कि सिरसा के लोग पिछली बार 3,08,000 वोटों से जिताया था, इस बार मुख्यमंत्री जी, नायब जी आए, मनोहर लाल जी आए और पार्टी का शीर्ष नेता आया, योगी जी आए, योगी आदित्यनाथ जी आए, जो भी नेता यहाँ पर आया, सबने आश्वस्त किया कि ये सीट हम 6,51,000 से कम जिता करके देंगे। तो बाकी तो मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ पर धक्के से आए हैं, लोग छोड़ छोड़ करके भागे हुए लोग हैं यहाँ से। 28 साल पहले जब हराया था उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए, फिर वो जहाँ गए वहाँ पर उस कॉन्स्टिट्यूंसी को ख़राब करके आए। एक मॉडल आज कांग्रेस के अंदर देखने को मिलता है, आज एक मॉडल देखने को मिलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी ख़राब करो, दूसरी में जाओ, दूसरी से तीसरी में जाओ। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा, देश कांग्रेस मुक्त भारत चाहता है। देश गांधी जी के उस कथन को पूरा करेगा जब उन्होंने कहा था कि आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी बनी थी, इसलिए इसको डिसबैंड कर देना चाहिए। तो आज इस चुनाव में वही देखने को मिलेगा और ऐसे लोगों को अब पाकिस्तान के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और जगह उठ सकता। सर, 2014 2019 में जिस तरह का माहौल था, 2024 में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष इकट्ठा है, लगता नहीं थोड़ा मुश्किल है इस बार कि 400 पार भी नहीं होगा, 200 पार भी नहीं होगा, ये मुश्किल है। देखिए, ये लोग वो हैं जो मुँह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। वैसे तो ये राम के अस्तित्व कोई चुनौती देने वाले लोग हैं, तो ये आपस में भी कोई, मुझे नहीं लगता ये परिवार कोई एक साथ है,
इसमें आपस में इतना खुद वो है, पार्टियों के अंदर आपस में इतनी गुटबाजी है, अनुशासनहीनता, वो रोज़ आप देख रहे हो, रोज़ तो लड़ते हैं, कभी टवाना में लड़ते हैं, कभी कहीं लड़ते हैं, रोज़ लठम लट्ठा। तो ये लठतंत्र को कोई पसंद नहीं करता। देश आज संविधान के हिसाब से, बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार दिया है कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होना चाहिए, आपके वोट से पैदा हो, मैं समझता हूँ पूरा देश आज अपना जो प्रतिनिधि है, आज के समय का राजा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो जनसेवक है वो अब परिवारवाद से पैदा नहीं होगा, चाहे कहीं भी हो, पूरे हरियाणा में भी परिवारवाद साफ होगा और देश में भी परिवारवाद साफ। हिसार से बीजेपी प्रत्याशी चौहान रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि सिरसा व हिसार सहित प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी के दावों की जनता हवा निकालेगी। देखिए मोदी चुनाव जीत रहे हैं, हर तरीके का रुझान है, सब मैं देख रहा हूँ, जितने लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं बड़े ओपन है, सब वोट मोदी को जा रहे हैं, 90% मोदी को जा रहे हैं, और हरियाणा के 10 की 10 जीतेंगे, पूरे देश में पहले से बढ़ के 400 से ज़्यादा सीट पे जीतेंगे। लोगों के सामने एक इशू है कि संपूर्ण देश का विकास, और जैसे हम 20 करोड़ गरीबी से लोग बाहर निकल के आए, लोगों का भरोसा बनाए, और जो मोदी साहब का विजन है उसको लोग चाह रहे हैं कि वो देश को आगे लेके चलेंगे, इंटरनेशनली हमारा बहुत बड़ा इमेज बनाए, आज दुनिया के 211 मुल्क में सबसे 5 बड़ी इकोनॉमी है, उसमें ये यूएनए को चार्टर कह रहे हैं, हम 5-1 हैं, दुनिया के जो सबसे बड़ी 4 आर्मी है उसमें इंडिया, रशिया, चाइना और हम एक हैं, तो लोगों का मोदी पे बहुत भरोसा है, इन कंडीशन में जो इंटरनेशनली डेवलप हो रही है उसमें देश को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है। हिसार जीतूंगा जी, 100% जीतूंगा, कहीं एक उसमें सवाल ही नहीं है, एक तरफ 2 लाख से ऊपर। जेजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौहान अजय सिंह चौटाला ने कहा कि उनका विरोध किसान नहीं कर रहे हैं, कुछ पार्टियों के लोग हैं जो किसानों की आड़ में विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों से पार्टी को किसी तरह का नुकसान नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि हिसार सीट से उनकी पत्नी नैना चौटाला की जीत होगी। अक्सर क्या कहेंगे, आपकी बीवी खुद चुनावी मैदान में है, इससे पहले आपका बेटा चुनावी मैदान में था, क्या ओवरऑल स्थिति दिख रही है हरियाणा में? अरे भैया, मेरे परिवार के बहुत सारे सदस्य चुनाव मैदान में हैं, बीवी भी हैं, चाचा भी है, भाई भी हैं, सब मैदान में हैं। ये तो प्रजातंत्र का महापर्व है, लोगों ने फैसला करना है कि हरियाणा प्रदेश का जागरूक मतदाता किसको चुन करके भेजता है। और सर, जिस तरीके किसानों द्वारा पहले विरोध था, जब बीजेपी के साथ आपका अलायंस था, अब नहीं है, तो उसका कितना एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप देख रहे हैं? एडवांटेज डिसएडवांटेज तय करना प्रदेश की जनता का काम है, ये फैसला लोगों ने करना है। जहाँ जहाँ विरोध की बात आप कर रहे हैं, किसान विरोध नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर विरोध कर रहे थे। और सर, 4.5 साल का कार्यकाल आपका रहा है, हम अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं, और हमने जो काम लोगों से प्रॉमिस किए थे वो पूरे करने का काम किया है, जो नहीं कर पाए उनको पूरा करने का काम आगे करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोगों को अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, 100% मतदाताओं को बूथों पर पहुंचकर वोट डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जेजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, जेजेपी प्रत्याशियों की जीत होगी। मैं सभी हरियाणा वासियों से यही आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र का आज महापर्व है, बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट के अधिकार के साथ अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करें, सभी वोटर्स बाहर निकले, गर्मी से डरे मत, ये गर्मी बदलाव की है, और आप सब की ताकत यही होगी कि आप अपने मत से इस देश का भविष्य लिखने का काम करें। मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि इस देश में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हरियाणा प्रदेश में आज होगी। आपको लगता है कि बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल होगा, और जैसे 1977 में बदलाव आया था, 2024 भी एक नई पटकथा लिखी। उपायुक्त आरपी सिंह ने कहा कि सुबह 7 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी, वे लगातार बूथों की जांच कर रहे हैं, मतदाताओं की सभी व्यवस्थाएं की गई है, किसी तरह की परेशानी मतदाता को नहीं होनी चाहिए, मतदान शांतिपूर्वक जारी है, समय समय पर मतदान से संबंधित अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं। सर, आज वोटिंग है पूरे सिरसा लोकसभा या दूसरे लोकसभा की, क्या उम्मीद लग रही है? हमारी 9 की 9 विधानसभाओं के अंदर प्रॉपर टाइम पे शुरू हो चुकी थी, और
पहली दो रिपोर्ट हम जा चुके, तीसरी रिपोर्ट 9 बजे हमारी चली जाएगी, कितने परसेंट वोट होगी। तो हम बिल्कुल शांतिपूर्ण है हर जगह पे। आपको बता, हमारे 4 जिले हैं, चौथे जिले के 2 गांव हैं, सभी के सभी मतदान बिल्कुल सही हो रहा है। थैंक यू।